चार साल इस सरकार को हो गए, लेकिन चार साल में इन लोगों ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है स्थानांतरण की, उनके स्थान एक भी स्थानांतरण नहीं किया। मौजूदा सरकार जो अध्यापकों की हितैषी बनने का ड्रामा करती है और अध्यापकों की हितैषी नहीं है बल्कि अध्यापकों की दुश्मन। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो प्रतिबंधित जिलों में नौकरी कर रहे हैं और उनके माँ और बाप की यहाँ डेथ हो चुकी है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके माँ बाप बिल्कुल वृद्धावस्था में, जिनको अपनी संतान की पास रहने की सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसी सूरत में भी सरकार ने एक भी ट्रांसफर नहीं किया। घोषणाएं ये पूरी करते हैं, गुणवत्ता इनको चाहिए, लेकिन अभी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है जिनका पूरा जिम्मा पंचायत राज को उठाना था, बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसका भी पूरा वजन जो है अध्यापकों पर डाल दिया। बीएलओ के अलावा और जितने भी अतिरिक्त कार्य हैं वो सारे अध्यापकों पर डाल रखे हैं। और जब इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अभी कल 5 तारीख का ही मसला है कि अमीन कायम खानी ने उर्दू के नाम पर एक ये पूछ लिया कि उर्दू अध्यापकों के लिए आपने बजट में घोषणा की थी उसमें क्या क्रियान्वति हुई, उसको सस्पेंड करके बांसवाड़ा लगा दिया। इसलिए हम आज यहाँ हमने ज्ञापन दिया है कि तुरंत जो है ये सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण करे, वरना अंजाम भुगतने के लिए अगले इलेक्शन में तैयार है। राहुल सिंह गुर्जर, जिला मंत्री, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी। राजस्थान की तानाशाही सरकार ने पिछले 4 वर्ष से हर शिक्षक वर्ग के हर कैडर के ट्रांसफर खोले हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को इससे वंचित रखा है, जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ एक कुठाराघात है। तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षा वर्ग में इस पूरे विभाग की एक मूल जड़ है, जिसको सरकार वंचित कर रही है और अनदेखी कर रही है। बार बार कोई पॉलिसियां बनाने के नाम पर, कभी कई कमेटियां बनाने के नाम पर इस प्रकार से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सरकार की अभी तक कोई मंशा इस पर स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। इसके लिए संगठन ने इसकी प्रारंभिक शुरुआत आंदोलन की आज ब्लॉक स्तर से प्रारंभ की है, जिसका द्वितीय चरण हम जिला स्तर पर 14 सितंबर को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पूरे राजस्थान में ज्ञापन देंगे। इसके पश्चात प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने प्रदेश आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक जिले से हजारों की तादाद में शिक्षक पहुंचकर उस आंदोलन को सरकार जिस भाषा में समझना चाहती है उस भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।